सिग्नेचर ब्रिज को गति देने का काम राजेंद्र पाल गौतम जी ने करा, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति क्यों हो रही है सर, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर? देखिए, राजनीति कम घटियापन ज़्यादा कर रहे हैं मनोज तिवारी जी जी, चूँकि दिल्ली सरकार के फंड से सिग्नेचर ब्रिज बना है जी, और दिल्ली सरकार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जी, उससे पहले केवल एक पिलर का काम शुरू हुआ था जी, सारे काम बड़े अटक अटक के चल रहे थे जी, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जी, इस पुल के काम को गति दी गई जी, और उसके बाद भी बीच में अटक रहा था, फिर जब मैं मिनिस्टर बना जी, तो मैंने फिर इसमें एफर्ट करके जी 100 करोड़ फंड रिलीज कराया, फिर इसमें काम में गति आई। उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया जी आए और उन्होंने युद्ध स्तर पे जी इस काम को सक्सेस तक पहुंचाया, और आज सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली की जनता को नहीं, देश की जनता को समर्पित है, और मैं पूरे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ, माननीय केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम यमुना पार के लोग हैं, हम खुद उस पुल पे जाम में फंसते थे, लेकिन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से ये जनता को मिल पाया, वरना कुछ IAS ऑफिसर्स तो अभी भी इसको लटकाने के मूड में थे, और कैबिनेट में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि और ये लटक जाए जी, लेकिन थैंक्स टू दलितिस जी। सर, आपने इस पुल के निर्माण के लिए बहुत संघर्ष करा है, और ये जनता को पता होना चाहिए। मनोज तिवारी जी बोलते हैं कि इसका श्रेय वो जबरदस्ती ले रहे हैं, और ये सारा श्रेय मैंने काम करवाया है, वो क्या है, थोड़ा उसका क्लियरिफिकेशन करें। देखिए, दस्तावेज चेक कर लीजिए जी, जबकि मनीष जी ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई भी फंड नहीं लग रहा है, और इस तरीके से उन्होंने देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पुल से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, और किसी भी रूप में लेना देना नहीं है जी। और दूसरी बात, अगर कहें प्रोटोकॉल के हिसाब से एरिया के MP होने के नाते उनको क्यों नहीं बुलाया जी, तो इसकी शुरुआत खुद उनकी पार्टी ने की है जी। देखिए, मेट्रो में 50% का शेयर हमारा है जी, उसके बावजूद मेट्रो में नोएडा उद्घाटन हुआ, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया कहीं ना कहीं, जबकि उसमें हमारा 50% पैसा इधर लगा है जी। और उसके बाद स्काई वॉक में 20% पैसा हमारा लगा है, उसमें हमें नहीं बुलाया, हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया, दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली की PWD बना रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया जा रहा, कितनी शर्मनाक बात है। उसके बाद रानी झांसी फ्लाईओवर, जिसमें 250 करोड़ रुपया मनीष जी ने दिया फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जी, दिल्ली सरकार के फंड से जी, और उसके बावजूद उसके उद्घाटन में भी हमें नहीं बुलाया। बल्कि मुझे तो इस बात को देख के ज़्यादा हैरत है कि मैंने अपनी लाइफ में रानी झांसी फ्लाईओवर से ज़्यादा घटिया फ्लाईओवर जी बिल्कुल अभी तक नहीं देखा। आप खुद जाके देखें जी, जो लोग गए वो बता रहे हैं, और मैंने खुद, मैं उस पर 2-3 बार गुजरा हूँ जी, मतलब वो पुल, उसमें स्लोप देखिए, उसका फिनिशिंग देखिए, उसमें ऐसे गाड़ियाँ ऐसे हिलती हैं जी, प्लेन जैसे होते हैं सारे पुल, कोई भी दिल्ली किसी भी पुल पर चले जाइए, गाड़ी एक बार चढ़ के ऐसे पुल उतरती है, लेकिन यहाँ तो वो दचकी खा के ऐसे गाड़ी चलती है, और अंदर जिस तरीके से बनाई है, पुल को बनाया गया है MCD के द्वारा, नॉर्थ MCD, बड़ा ही मतलब शर्मनाक स्थिति दिखती है जी, और उसके बारे में सारे देश का मीडिया चुप है, पता नहीं क्यों नहीं बोलता। अगर वही पुल दिल्ली के PWD के द्वारा, अब दिल्ली सरकार की PWD बनाई होती, तो शायद ये हमें जीना हराम कर देते हमारा। खैर जी, आपसे राजेंद्रपाल गौतम जी, जिन्होंने इस रुके हुए सिग्नेचर ब्रिज को एक नई जान दी, नई दिशा दी, ऐसे में इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।